इसमें क्या है, सबसे पहले हमको सिग्मा और पाई के विषय में पता होना चाहिए। तो सिग्मा क्या होते हैं, जब कोएक्सल अतिव्यापन द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि एस पी संदर्भ में एक एस कक्षक और एक पी कक्षक मिलकर के एस पी हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और इसमें फॉर एग्जाम्पल था बी ई सी एल टू, आज बताएंगे एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस कक्षक और ये तीनों मिलकर के ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बोलते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 यानी 120 डिग्री। इसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं BF3। BF3 में क्या होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं, तो 1s2 एंड 2s2 2p1। जब यहाँ पे 2 स्टार्ट हो जाता है या 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि 1 नंबर पर S होता है, 2 नंबर पर P होता है, 3 नंबर पर D होता है और 4 नंबर पर F होता है। जब 2 नंबर 1S तो होता है लेकिन 1P नहीं होगा, ठीक है, 2P होता है लेकिन 2D नहीं होता है, 3D होता है लेकिन 4D आगे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर पर ये रहता है, जैसे ही 2P आएगा तो आपका क्या है, मतलब 2P की जगह 2P हो जाएगा, जैसे 3P आएगा तो D आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें आपका P वैकेंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखेंगे इसमें 2s इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल हुए और 1 क्या होगा, P ऑर्बिट में 1 बच जाएगा। P की 3 ऑर्बिट होते हैं, ये एग्जांपल फॉर एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है, तो x में जाएगा। इसकी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगी, बेरिलियम का 5 होता है तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे 5 के 3, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो F और F एंड F एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा। इसका बनेगा 120 डिग्री। कल मैंने बताया था कि सिग्मा क्या है, पार्टिसिपेट होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर्स हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दीज आर 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा जब अनपेयर्ड होंगे तो उसमें जो है हमको मूल अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में 1 अनपेयर्ड मिल रहा, जबकि हमको डिमांड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, 3 अनपेयर्ड चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और 2s का 2s 2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, 2p x एंड y में चला जाएगा, ये इधर था ही और ये इधर था। तो अब क्या होगा, जब हम मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन 2p पाई कक्षक में चला जाएगा, जिससे हमें 3 सिग्मा यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इसमें 1s और 2p, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 संतुलन, ठीक है। तो ये 1 सिग्मा एंड 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरा देखेंगे sp3 सिग्मा में बनाना होगा। इसमें भी आपको ध्यान रहे कि sp3 सिग्मा में एक s और 3 ऑर्बिट p एक्साइटेड होके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। sp3 थर्ड नंबर है कि sp3, इसमें क्या होगा, s ऑर्बिट p के तीनों ऑर्बिट जो बनेगी
आती है तो ये चार हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर्स की नॉर्मल हो जाएगी। दीज आर स्ट्रक्चर्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कार्बन का क्या है, चार सिग्मा है, पाई कोई भी नहीं है क्योंकि सिग्मा अनपेयर्ड होते हैं और पाई पेयर्ड होता है, तो सिग्मा वन सिग्मा एंड टू सिग्मा और थ्री एंड फोर। जैसा कि बताया था कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए, यदि मूल अवस्था में या ग्राउंड स्टेट में हमारी डिमांड पूरी नहीं है तभी हम एक्साइटिंग में जाएंगे और इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिमांड पूरी करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पर टू अनपेयर्ड मिल रहे हैं जबकि हमको फोर अनपेयर्ड चाहिए हैं, तो टू एस टू गामा इलेक्ट्रॉन निकल करके टू पी जेड में चला जाएगा और हमको फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और ये हो जाएगा आपका एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन इसका बॉन्ड एंगल कितना बताया 90 डिग्री, तो सभी का 90 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल निकलेगा। इसी तरह से आपका ये तीनों एस पी